उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ई रिक्शा के रूट का विरोध, सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन। आपको बताते चले, पुलिस अधिकारी द्वारा शहर में बनाए गए 6 रूटों का विरोध करते हुए आज बिशप मंडल इंटर कॉलेज में सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा लेकर पहुंचे चालकों ने मंजीत सिंह बिट्टू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। ई रिक्शा को लेकर शहर में निर्धारित किए गए रूट के मामले में शनिवार को चालकों ने जमकर हंगामा किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में करीब 300 ई रिक्शा कोतवाली क्षेत्र के बिशप मंडल इंटर कॉलेज ई रिक्शा खड़ा कर प्रदर्शन किया। उन्होंने नए रूट को वापस लेने की मांग की। इस दौरान कोतवाली पुलिस फोर्स तैनात रहा। जनसेवा ई रिक्शा ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह बिट्टू ने कहा कि ई रिक्शा के रूट को लेकर कमिश्नर सौम्य अग्रवाल और SP ट्रैफिक राममोहन सिंह को ज्ञापन दिया गया था। सुनील कुमार शर्मा, सुभाष नगर। हम ई रिक्शा चलाते, समस्या ये आ रही है कि मान लो हमारी किराए की गाड़ी है, किराए का मकान है, और कुछ हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने किस्तों पे गाड़ियां ली हैं, और उनकी किस्त कहाँ से जाएगी। हमें जो रूट दिया गया है वो चौपले से बरेली काली तक का दिया है। चौकी चौराहे को सवारी नहीं जा सकती लेके, और ना ही हम कचहरी आ सकते हैं। अब ये बताओ, ये ऐसा रूट दिया है जिस रूट पे हमें सवारी ही नहीं है, तो आप ये बताओ हम लोग अपने बीवी बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ से हम अपना किराया मकान का देंगे, हमें कोई रूट सब रूट कहाँ से हम सब रूट दिए जाए। क्या मामला है? देखिए, कई बार मीटिंग हो चुकी, कई बार हमने ज्ञापन दे दिया, कई बार धरने हो चुके। हमने बरेली की ट्रैफिक पुलिस को कई बार बताया कि ये जो 6 रूट आपने मनमाने तरीके से अपने ढंग से बना दिए हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। ये सभी गरीब ई रिक्शा वालों की रोजी रोटी छीनने की साजिश है, इसको ना किया जाए। लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपनी जिद पे अड़ी हुई है, उन्होंने 6 रूट बनाए। पहले बात हुई कि हम जिसे सही करेंगे, लेकिन सही नहीं किया गया। दोबारा बात हुई कमिश्नर मैडम के यहाँ मीटिंग हुई, लेकिन उन्होंने कहा अभी ई रिक्शा वालों पर हम और सख्ती करेंगे। हमारा कहना, ये गरीब लोग हैं, इन पर अगर सख्ती की जाएगी तो इनको बंद कर दिया जाएगा, इनकी रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, ये भुखमरी कगार पे पहुंच जाएंगे, इन्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी, कोई चोरी डकैती करेगा, कोई चैन स्नैचिंग करेगा। ऐसी हालत में इन्हें पहुंचाया ना जाए, इनकी रोजी रोटी चल रही है, गरीब लोग हैं। देखिए, हमारी मांग नहीं, हमारे सुझाव हैं, क्योंकि सरकार हमारी है। हम चाहते हैं कि यातायात बहुत अच्छा चले शहर का, जो ट्रैफिक पुलिस का भी शायद यही उनका टारगेट है कि ट्रैफिक अच्छा चले। हम भी चाहते हैं कि शहर का यातायात बहुत बढ़िया चले, लेकिन उसके लिए इन गरीब ई रिक्शे वालों की रोजी रोटी छीनना ज़रूरी नहीं है। इनकी रोजी रोटी चलती रहे, उसके साथ ट्रैफिक चलता रहे सुचारू रूप से, हमारी ये दोनों चीज़ें कंबाइंड करके हमें योजना लानी चाहिए। इसके लिए हमने बहुत से सुझाव दिए हैं, कई बार हमने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया। रूट जो बने हैं वो गलत बने हैं, क्योंकि सुनसान जगह से बियाबान कोठी से भेज रहे हैं, बियाबान यानी कि सुनसान कोठी से भेज रहे हैं। आप सुभाष नगर थाने जहाँ जंगल है, रेलवे पड़ी है, वहाँ से भेज रहे हैं, और जो मेन चौराहे हैं, चौकी चौराहा, कचहरी, अयुखा चौराया, वहाँ आप जाने नहीं दे रहे हैं रिक्शे को, जबकि इतने बड़े बड़े चौराहे, कभी चौकी चौराहे पे आज तक जाम ही नहीं लगा, वहाँ पे रिक्शा बंद कर दिया। ई बसें जा रही इतनी हैं, ई बसें इतनी बड़ी बड़ी, वो जा सकती हैं, चौकी चौराहे भी जाएंगी, कचहरी भी जाएंगी। ई रिक्शे जो छोटे हैं उनकी मात्रा में 10% है, उनको नहीं जाने दिया जाएगा। ये क्या कौन सा इंसाफ है? नहीं नहीं, ई रिक्शे जो चलने चाहिए, एक हर प्रमुख मार्ग पे एक लेन बना दी जाए, एक पट्टी खींच दी जाए, और ई रिक्शा ऑटो के लिए पट्टी निर्धारित कर दी जाए कि आप सिर्फ सिंगल लाइन में चलें। देखिए, एक लाइन चलती है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, तो जाम लगता है। जब एक पट्टी निर्धारित कर दी जाएगी तो सारे ई रिक्शे, सारे ऑटो उसी लाइन के हिसाब से चलेंगे। मैं प्रशासन से वादा करता हूँ कि अगर एक पट्टी बना दी जाए पूरे शहर में, तो सारे ई रिक्शे हमारे भाई, मैं इनकी तरफ से मैं वादा करता हूँ कि सब लाइन से चलेंगे, शहर को जाम मुक्त करेंगे, सब लोग सहयोग करेंगे। आप लोग जाम मुक्त करने में सहयोग करोगे? ये सभी लोग चाहते हैं कि यातायात सही चले। ज्ञापन देखिए, हम बहुत दे चुके हैं, बहुत ज्ञापन दे चुके हैं, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारी बात माननीय संतोष गंगवार जी से भी हुई है, अभी उनसे बात हुई है। संतोष गंगवार जी ने हमें आश्वासन दिया है
कि हम सब गरीब लोगों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, इनका सहयोग करेंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं। अभी हमारी केशव प्रसाद मौर्य जी से भी बातचीत का प्रयास चल रहा है। आज उन्हें बरेली आना था लेकिन प्रोग्राम उनका स्थगित हो गया। उनसे बात हुई थी, अगर बरेली वो आते तो हम सबसे मिलना था उन्होंने, लेकिन अब फिर उनसे मुलाकात जल्दी होगी और मुख्यमंत्री तक जो है गरीब लोगों की आवाज़, इनकी बात इनकी पहुंचाई जाएगी। इनके साथ अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। जाए हमारा पंकज नाम है, ये ऑटो चलाते हैं, मिनी मेट्रो। परेशानी ये आ रही है कि हमें रूट ऐसा दे दिया जहाँ पे कोई सवारी नहीं है। जब सवारी नहीं होगी, जब हमारे पास सवारी नहीं होगी तो हम अपनी गाड़ी की किस्तें है, अपना खाना पीना है, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, कहाँ से पूरी करेंगे। सर हमें पूरा रूट दिया जाए, सब जगह रूट दिया जाए।